क्या ये सही है कि एक बार आप बैटिंग कर रहे थे और आप गाने की लिरिक्स भूल गए, इन्होंने किसी को बुलाया, मैच को रुकवाया, क्या किया था? ये सच्ची कहानी है? देखिए, मैं चेन्नई में बैटिंग कर रहा था राहुल द्रविड़ के साथ, लगभग 200 के करीब, तो एक गाना गुनगुना रहा था बड़े टाइम से, चौके छक्के लग रहे थे, तो ड्रिंक्स ब्रेक हुआ तो हम बातें वाते करने लगे, पानी पिया, तो जब वापस दोबारा मैच स्टार्ट हुआ ड्रिंक्स ब्रेक के बाद, तो मैं उसके बोल भूल गया, लिरिक्स भूल गया, और सडनली 2-3 ओवर ऐसे ही खेलता रहा, कोई चौका छक्का नहीं लगा। तो राहुल द्रविड़ मुझे पूछा सब ठीक है, तो मैंने कहा क्यों, कह रहे अभी तक कोई चौका छक्का लगा नहीं है, उन्हें क्या बताऊं कि मैं गाने के लिरिक्स भूल गया इसलिए मज़ा नहीं आ रहा बैटिंग में। तो जो 12th मैन थे उनको मैंने बुलाया, उनको बताया कि मेरा आईपॉड निकालना, प्लेलिस्ट खोलना, वीरू 2, उसके अंदर छठा गाना है, उसके लिरिक्स मुझे देना। गाना याद है आपको? जी हाँ, बताइए ना। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने। चल, आपको याद है? फाइनली कितना स्कोर बनाया आपने? 319। ये होता है म्यूजिक का असर, और ये होता है चैंपियन। एक बार जोरदार तालियां वीरेंद्र सहवाग जी के लिए।